हाय गाइस, वेलकम बैक टू किंडर ब्यूटी चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अपने काजल को लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफ कैसे बनाते हैं, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर। और बाद में हम आई टेस्ट भी करने वाले हैं और देखते हैं कि मेरा काजल स्मज होता है कि नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टेप वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अप्लाई कंसीलर एंड सेट इट विद योर सेटिंग पाउडर। और ये कंसीलर लगाना बहुत ही जरूरी है, अपनी आईलिड पर ही नहीं, नीचे जहां हम काजल लगाते हैं वहां भी कंसीलर लगाएं। और इसको मेकअप पाउडर से, सेटिंग पाउडर से या ट्रांसकुलेंट पाउडर जो भी आपके पास है उसे सेट कर दें। और मैं यहाँ फिंगर टिप की सहायता से ये कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ, और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ऊपर और नीचे भी। मेन जो फोकस है वो मेरा नीचे है जहाँ हमने काजल लगाना है, और अपने हल्के हल्के हाथों से हमें इसको ब्लेंड करना है। पूरा इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर तक आपको कंसीलर लगाना है और ब्लेंड करना है। आप मेकअप स्पंज भी ले सकते हो या ब्रश भी ले सकते हो अगर आपको फिंगर टिप नहीं यूज़ करनी है। और उसके बाद अच्छी तरह से कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैं इसको सेटिंग पाउडर से सेट कर रही हूँ। सेटिंग पाउडर हम इसलिए सेट करते हैं ताकि हमारा जो कंसीलर है वो क्रीज ना हो। कभी कभी हम देखते हैं कि कंसीलर आईज पर इकट्ठा हो जाता है एक कॉर्नर में, जहाँ हमारी आईज फोल्ड होती हैं वहाँ कंसीलर इकट्ठा हो जाता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद जो गो फॉर वाटरप्रूफ प्रोडक्ट्स, अगर आपका बजट है तो आप वाटरप्रूफ प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ये प्लम का काजल है, ये आपकी आईज पर पूरा दिन टिका रहेगा, ये वाटरप्रूफ है लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। आप कुछ इस तरह का प्रोडक्ट ले सकते हैं, ये इंटेंस ब्लैक कलर है। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप कोई भी काजल लें, थोड़ा क्रीमी होना चाहिए वो। ये मेकअप रेवोल्यूशन का है, ये थोड़ा सा क्रीमी है लेकिन ये ऑल डे लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो इसी से आज मैं वीडियो बनाऊंगी और देखते हैं कि ये सारा दिन टिका रहता है इस टेक्निक्स की वजह से। तो सबसे पहले अपने जो काजल है अपनी फिंगर टिप पर थोड़ा सा रब कर ले ताकि जो ऊपर वाली लेयर है वो निकल जाए, क्योंकि वो जमी होती है मोस्टली। तो उसके बाद बाहरी कॉर्नर से शुरुआत करें काजल लगाने की और धीरे धीरे इनर कॉर्नर्स की तरफ लेके आए, क्योंकि इनर कॉर्नर्स में ज्यादा वाटर होता है आईज में, तो वो अपने आपकी पेंसिल पर लग जाएगा और क्रीमी जो जो काजल है इतना क्रीमी नहीं रहेगा। तो बाहर की तरफ लगाते हुए इनर कॉर्नर्स पर लेके आए और जितना आपने लगाना है उतनी अमाउंट में लगाएं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि इस काजल को आई शेडो से सेट करें। आई शेडो, ब्लैक आई शेडो आप ले सकते हैं, कोई एंगल्ड ब्रश ले सकते हैं, उसकी सहायता से मैं इस काजल को सेट कर रही हूँ। अगर आप कोई भी क्रीम प्रोडक्ट्स है उसको आप पाउडर प्रोडक्ट से सेट करते हैं तो वो प्रोडक्ट लॉक इन हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग बनता है। तो यहाँ सेम टेक्निक है, मैं सेम ही कर रही हूँ, क्रीम प्रोडक्ट को पाउडर प्रोडक्ट से सेट कर रही हूँ। आप थोड़ा ब्रश नीचे की तरफ पॉइंट करके भी लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आसान होता है जो आई शेडो को लगाना। और अगर आपको थोड़ा सा और मोटा काजल चाहिए तो आप आईलाइनर लगाने की बजाय इसी ब्लैक आई शेडो से अपने काजल को मोटा कीजिए, जैसे यहाँ मैं कर रही हूँ। मैं थोड़ी सी मोटी लाइन बना रही हूँ लेकिन मैं आई शेडो, जो ब्लैक ब्लैक आई शेडो है मेरा, उसी से बना रही हूँ। मैंने कोई भी आईलाइनर नहीं लगाया है और एक बहुत अच्छी सी साफ सुथरी सी मोटी लाइन, मोटा काजल मेरा क्रिएट हुआ है। तो या अभी मैं मस्कारा लगा रही हूँ ताकि जो सारा लुक है ऑल पुट टुगेदर लगे। और अभी हम करते हैं थोड़ा सा आई टेस्ट, पहले मैं मस्कारा लगा लूँ। और ये है आई लुक, ऐसा काजल लगेगा। आप थोड़ा और मोटा भी कर सकते हैं, इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू। अभी मैंने अपनी फिंगर टिप की सहायता से थोड़ी रब करने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं कुछ भी बाहर नहीं आया, क्योंकि जो काजल है वो आई शेडो है, दोनों मिलकर एक लॉक इन कर दिया है प्रोडक्ट को
आई डोंट नो, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ. अभी मैंने यहाँ क्लोथ की सहायता से थोड़ा और जोर लगाकर इसको रब करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी काजल बाहर नहीं आया. थोड़ा बहुत क्लोथ पर लगा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब फिर भी काफी अमाउंट में काजल लगा हुआ है. तो थोड़ा मैंने एक और थोड़ी कोशिश की, लेकिन वो काजल बाहर नहीं आया. तो ऐसा नॉर्मली हम नहीं करते आईज पर, यू नो. ये भी मैं आई टेस्ट करने की मैंने कोशिश की है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे. तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप भी अपनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके लिए काम आई है, आपको यूजफुल लगी है या नहीं. तो आप चाहे तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां मैं अपने जो लाइफ के थोड़े थोड़े मोमेंट्स डालती रहती हूँ. और या तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में. लेट मी नो इन द कमेंट पर आपको ये वीडियो कैसी लगी. तो या बाय.